आज विश्व गीता संस्थान चंद्रनगर फिरोजाबाद के जिला कार्यालय लेबर कॉलोनी पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री यशपाल यश तथा ब्रज प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. मयंक भटनागर ने चंद्रनगर जनपद फिरोजाबाद के पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र प्रदान किए। बैठक में कुल 9 पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर श्री गौरव चौहान गाफिल को ब्रज प्रांत का मीडिया प्रभारी, श्री विकास कुलश्रेष्ठ को चंद्रनगर जनपद फिरोजाबाद का जिलाध्यक्ष, श्रीमती शीलमणि मान सिंह शर्मा को महिला प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष तथा श्री हेम कुलश्रेष्ठ को महानगर फिरोजाबाद का अध्यक्ष बनाया गया। श्री सौरभ लहरी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष फिरोजाबाद तथा डॉक्टर स्नेहलता शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ तथा श्रीमती कल्पना राजौरिया को महिला प्रकोष्ठ का महासचिव बनाया गया। इस बैठक में कृष्ण कुमार कनक को जिला महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया। विश्व गीता संस्थान द्वारा आज सभी पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। उनका चुनाव करके आज आधिकारिक तौर पे उनको आज मनोनयन पत्र दे दिया गया है और आज से विधिवत विश्व गीता संस्थान के सभी कार्यक्रम शुरू हो गए और अब से बकायदा मीटिंग करके 29 तारीख को जो श्रावण मास का शिवरात्रि है उस दिन गोपाल आश्रम के अंदर हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है जो कि विश्व गीता संस्थान की तरफ से होगा। एक शिव भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे और गीता की महत्वता पर प्रकाश डालेंगे। गीता के श्लोकों का उच्चारण होगा और गीता हर घर घर गीता हर हर गीता। हम लोग अपने घरों में गीता को रखते हैं लेकिन असल में उसको पढ़ते नहीं और उसके श्लोक कोई भी लोग जानते नहीं। गीता को सार्वजनिक रूप से सब जानते हैं लेकिन असली गूढ़ रूप में उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अपने जीवन में सफलता लानी है तो अपने अंदर गीता बिठानी है, ये हमको मैसेज पूरे समाज को देना है। इसका संकल्प उठाते हुए आज से विधिवत रूप से विश्व गीता संस्थान अपना ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। ये आज विश्व गीता संस्थान के मंच तले ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आपने देखा कि आज मनोनयन पत्र सभी को प्रदान किए गए हैं। ये एक स्टार्टिंग है जनपद फिरोजाबाद में विश्व गीता संस्थान की, जिसके अंतर्गत हम लोग गीता का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। हमारी जो पूर्व संस्कृति रही है उसको आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि गीता में आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है और हम सभी जानते हैं कि गीता का क्या महत्व है। बावजूद इसके हम लोग गीता का पाठ नहीं कर पाते हैं। रामायण का पाठ घर घर होता है लेकिन गीता को नहीं खोल करके लोग देख रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि हम लोगों को गीता से भी जोड़ें। कि जो विदेशों में जिस गीता को इस तरह से पूछा जा रहा है, MBA के स्टूडेंट्स तक को पढ़ाया जा रहा है, हर विश्वविद्यालय में गीता को पढ़ाया जा रहा है, वही गीता अपने भारतवर्ष में जहाँ उसका उदय है वहाँ क्यों उपेक्षित सी है, वहाँ लोग इसका महत्व क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। या कहें तो महत्व तो सब जानते हैं, आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन हम उसका पाठ करके उसको जिस तरह से गहराई से अपने जीवन में उतारना चाहते हैं चाहिए वो उतारा नहीं है। मान लीजिए किसी को मानसिक अवसाद है, आप गीता पढ़िए वो अवसाद खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, यदि वो गीता पढ़ें तो उनकी सारी कठिनाई का समाधान है उसके अंदर, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमें इसी बात का प्रचार करना है और उनको गीता से जोड़ना है। ये आज विश्व गीता संस्थान से हम लोग जुड़े हैं और आज हम लोगों का यहाँ राष्ट्रीय लेवल पर मनोनयन किया गया है। तो राष्ट्रीय जो प्रांतीय और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिनको ये पद दिया गया उन लोगों को हमें जिले में चयनित किया है, मुझे जिलाध्यक्ष घोषित किया है और मैं ये चाहूँगी कि गीता के प्रचार प्रसार के लिए मैं अपने ज़िले में अच्छे से अच्छा कार्य करूँ, सबको थोड़ा सा विकास हो हमारे संस्कारों का, हमारी भारतीय संस्कृति का, और गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए तथा उसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए मैं ये निवेदन करती हूँ सभी भाइयों से, सभी बहनों से, पूरी मातृशक्ति से कि हम सरकार के द्वारा इसको पूरा कराएं और अपनी मांग रखें, मांग पत्र भी उनको दें कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए गीता को। इसलिए आज ये कार्यक्रम हुआ है और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहूँगी कि मुझे जुड़ी हूँ, क्योंकि योग दर्शन इसमें सभी दर्शन इसमें दिखाए गए हैं 18 अध्याय में 700 श्लोकों में। तो मैं ये चाहूँगी कि हम लोग सब जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम गीता से संबंध रखेंगे तो हमें जुड़ने का भाव भी आएगा।